रायसिंह नगर के वार्ड एक से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की उम्मीदवार सुमन ठोलिया के कार्यालय का रविवार को विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर वार्ड के बुजुर्ग और नौजवान मौजूद रहे। वार्ड से एक अच्छा प्रत्याशी चुनाव मैदान में होने के कारण लोगों में भी काफ़ी उत्साह का माहौल है। सुमन ठोलिया सरपंच रह चुकी हैं, जिसके चलते उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में कई विकास कार्य कराए। उनके पति राकेश ठोलिया भूमि विकास बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं। लोगों का कहना है कि इस वार्ड में अभी तक पालिका द्वारा कोई विकास कार्य नहीं कराए, ऐसे में एक कर्मठ प्रत्याशी के आने से वार्ड के लोगों को विकास की उम्मीद जगी है। वार्ड नंबर एक में प्रत्याशी सुमन ठोलिया के कार्यालय का उद्घाटन वार्डवासियों द्वारा किया गया है और हमारा ये संकल्प है कि ये एक नंबर जो वार्ड है, जो जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण है, शहर का सबसे प्रतिष्ठित वार्ड होने के बावजूद भी जहाँ विकास के कार्य हैं उसके अंदर बहुत ही दरकार है और हमारा ये प्रयास रहेगा सारे जो मोहल्लेवासी मिल करके सुमन ठोलिया को जो संघर्षशील प्रत्याशी है उनको जिताएंगे और जिस वार्ड की आवाज़ है वो नगर पालिका के अंदर गूंजेगी। वार्ड के विकास के लिए हमें एक योग्य उम्मीदवार चुन करके भेजना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम कई बार ये देख लेते हैं कि ये हमारा परिचित है या ये मेरी कास्ट का है, ये सब बंद होना चाहिए। एक सही मजबूत लोकतंत्र हमें चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र की अगर हमने कामना करनी है तो ये सब चीज़ें हमें छोड़ करके, जातिवाद से और ये सब छोड़ करके हमें जो है एक योग्य उम्मीदवार, तो मेरी दृष्टि में जो योग्य उम्मीदवार जो मुझे नज़र आया वो राकेश ठोलिया जी की जो वाइफ है सुमन ठोलिया जी, बहुत बढ़िया है, दबंग है, ये हमारे काम करवाने में सक्षम है, इनका नाम ही काफ़ी है, तो मेरे को ये बहुत बेहतर लगे, तो मैं इनके साथ हूँ।